जिस उम्मीद के साथ शाहरुख खान ने गौतम गंभीर को कोलकाता नाइट राइडर्स में वापस बुलाया था, 10 साल से चले आ रहे जिस ख्वाब को पूरा करने के लिए खुद गौतम गंभीर अपने दिल के करीब इस फ्रेंचाइजी में लौटने को तैयार हुए थे, वो आखिर पूरा हो चुका है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 का खिताब जीतकर अपने इंतजार को खत्म कर दिया है। इस जीत के कई सितारे रहे, लेकिन टीम में चैंपियनशिप जीतने का जोश भरा गौतम गंभीर ने, जिनकी वापसी ने कई खिलाड़ियों की सोच को बदल कर रख दिया। इसके साथ ही गौतम गंभीर ने वो कमाल भी कर दिया जो आईपीएल के इतिहास में उनसे पहले कोई और नहीं कर पाया था। चेन्नई में रविवार को हुए फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बड़ी ही आसानी से सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग चूज की थी, फिर भी पूरी टीम सिर्फ 113 रन पर ऑल आउट हो गई। कोलकाता के तेज गेंदबाजों ने हैदराबाद की ताकतवर बैटिंग की धज्जियां उड़ाकर जीत की बुनियाद तैयार की। इसके बाद रही सही कसर वेंकटेश अय्यर ने 52 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर पूरी कर दी और कोलकाता ने सिर्फ 10.3 ओवरों में ही फाइनल जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। कोलकाता का ये तीसरा आईपीएल खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2012 में पहली बार आईपीएल जीता था, फिर 2014 में दूसरी बार कोलकाता ने खिताब अपने नाम किया था। कोलकाता को ये दोनों ही सफलताएं गौतम गंभीर की कप्तानी में मिली थी। अब 10 साल बाद गंभीर ने मेंटोर के रूप में कोलकाता में वापसी की और टीम को चैंपियन बना दिया। इसके साथ ही गौतम गंभीर कप्तान और मेंटोर या कोच के रूप में आईपीएल खिताब जीतने वाले पहले शख्स बन चुके हैं। इतना ही नहीं, कोलकाता ने चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में सबसे ज्यादा बार आईपीएल जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम अब कर लिया है। चेपॉक में तीसरा आईपीएल फाइनल था। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता ने एक एक बार यहां खिताब जीता था। कोलकाता ने 2012 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स को फाइनल में हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया था। अब कोलकाता ने एक बार फिर चेन्नई के घर में उसको ही पीछे छोड़कर दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया है।